हेलो एवरीवन, आई एम विजय मौर्या फ्रॉम टीम सपोवेज एचआर। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस टॉपिक का जो नेम है दैट इज प्रोफेशनल टैक्स कर्नाटका, पी टैक्स कर्नाटका पेमेंट कैसे करते हैं ऑनलाइन। कुछ मिनट्स में आप पीटी कर्नाटका की पेमेंट कैसे करें ये सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इस सेशन के अंदर यू विल लर्न हाउ टू मेक पेमेंट ऑफ पीटी कर्नाटका, राइट। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वी नीड टू ओपन वन गूगल सर्च इंजन और यहां पर हम सर्च करेंगे पीटी कर्नाटका, ठीक है, बैंगलोर कर्नाटका। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, pt.kr.nic.in। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो आ जाएगी होम पेज, ठीक है। यहां पर एम्प्लॉयर लॉगिन दे रखा है, देखो यहां पर लिखा है एम्प्लॉयर लॉगिन, ठीक है, यहां पर, ठीक है। बट सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप रजिस्टर्ड पहले कर लीजिए, और अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल्स पे वीडियोज हैं, यहां पर देख कर सीख सकते हैं, ठीक है। और अब आप हमारी टीम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, टीम का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहां पर दे दिया, ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं आगे। यहां पर जब आप पीटी पेमेंट वेबसाइट खोल लेंगे तो एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन में यहां दिखेगा आपको एम्प्लॉयर लॉगिन, ठीक है। ये न्यू आरसी रिक्वेस्ट अगर रजिस्ट्रेशन करना है, बट हमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वी विल क्लिक ऑन एम्प्लॉयर लॉगिन। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। आईडी पासवर्ड कैसे मिलता है, जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तब मिलता है, ठीक है। यहां पर आपको ये कैप्चा कोड डालना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहां से लॉगिन करना है। जब इसको लॉगिन करेंगे, लेट मी ट्राई अगेन, आई थिंक कुछ गलत कैप्चा कोड डल गया, 526 जेड, 5Z6 अगेन, दोबारा ट्राई करते हैं, GB5VV डन। नाउ ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पर टोटल 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने। पहले आपको फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न पर जाने पे कौन सी विंडो आएगी उसको देखते हैं। उसके बाद पेमेंट करनी है, रिटर्न सबमिट करना है, प्रिंट निकालना है और वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन पे जाकर देखना है। सबसे पहले जाएंगे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम रिटर्न फाइल करने आ रहे हैं। आप किस मंथ की कर रहे हैं, सबसे पहले मंथ यहाँ पर लेंगे, ईयर 2024 का है। आपका कोई पुराना पेंडिंग है तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ यहां पर लेना है मंथ, मैंने लिया फेब, और ये आता है आपका, आपको रिवाइज तो नहीं करना, कई बार होता है आपने गलत कर दिया है और आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है, आपको लगता है फाइनल अमाउंट है, जस्ट टेक ओरिजिनल। और अगर आप गलती हो जाती तो रिवाइज पे क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिस्टम पूछेगा कि 25,000 से ऊपर वाले कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी में, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है जिनकी भी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है उनको 200 रुपये पीटी कटता है कर्नाटका में। पहले ये कम था, 25,000 लिमिट नहीं थी, 15,000 थी, बट ये चेक करते रहे ना, 4, 5, 6, 7, 8 साल में बदलती रहती है, ठीक है। तो 25,000 से ऊपर 200 रुपये, बट टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। हमारे पास ये लिस्ट है जो पेरोल से आई है हमारे पास, यहाँ टोटल एम्प्लॉय जो आ रहे हैं दैट इज 21, ठीक है। अब 21 200 अगर कटेगा तो 200 × 21 4200 सेम आ रहा 4200, तो यहाँ पर आपको डालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। देखो लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 21, जैसे आप इसको टाइप करेंगे सिस्टम खुद कैलकुलेट कर देगा ऑटोमेटिकली 4200 रुपीज, राइट। इंटरेस्ट कुछ नहीं क्योंकि हम टाइमली पे कर रहे हैं, और आपको बता भी देता हूँ मैं, कर्नाटका का जो पीटी है वो उसकी जो ड्यू डेट है दैट इज 20th of every month, ठीक है। तो आज तो 10 है, अभी हमारे 10 दिन है, बट हम एडवांस में कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सेव रिटर्न करना है, यानी कि इसको सेव कर लेना। ये सेव हो गया आपका, ये देखिए सक्सेसफुली फिल्ड रिटर्न सेव, सेव हो चुका है। अब आपको और भी कोई किसी मंथ की तो आप यहाँ से सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव होने के बाद अब आपको होम पर दोबारा क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीटेड है फाइल रिटर्न का। अब आना आपको मेक पेमेंट्स पे, यहाँ पर क्लिक करना है मेक पेमेंट्स पर। इसके बाद ये लिखा है मंथली 24
फैब जो हमने अभी जस्ट सबमिट किया है उसी की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे करेंगे क्लिक पेपर। पेपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिटर्न पीरियड आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ है तो 4200 रुपीज में आ रहा है क्योंकि हम टाइमली पे कर रहे हैं। मेक पेमेंट, अब मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आप कैसे पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन कर रहे हैं नेट बैंकिंग से, ठीक है। नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेंगे भाई किसके थ्रू कर रहे हैं, ये एग्रीगेटर थे तो यहाँ पर मैं SBI का ले लेता हूँ। और यहाँ पर हमें डालना है ये कैप्चा कोड PBIMZY, ठीक है। और ये चेकबॉक्स पर इस पर क्लिक कर देना आप, और उसके बाद यहाँ पर करना सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे तो अब ये बैंक के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। जैसे अब ये SBI एग्रीगेटर तो पूछ रहा है कि आप UPI के थ्रू करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो हम यहाँ पर UPI ले लेते हैं। ये फास्ट भी है और जल्दी भी उससे हो जाता है। UPI QR कोड, यहाँ पर QR कोड आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको स्कैन कर लेना है जैसे QR कोड आएगा तो, ठीक है, और यहाँ से पे करना है। और आप एंटर UPI भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपना UPI नंबर भी डाल सकते हैं। इसे मैंने अपना UPI नंबर यहाँ पर डाला, दिस वन, और इसको मैंने वैलिडेट किया। सॉरी ये पेटीएम इसका जो गलत होगी, और इसको वैलिडेट किया, यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गया। ये देखो चेक का बटन आ गया, 4200 पेमेंट यहाँ से करेंगे पे। अब पे करने के बाद आपसे ये बैंक पूछेगा, ठीक है, आपके पेटीएम पे जाना, क्योंकि हमने पेटीएम से किया, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। आपको अपने पेटीएम पे जाना है, मैं मोबाइल पर आ गया हूँ और यहाँ से मैं इसको पे करने जा रहा हूँ 4200 रुपीज, और ये मैंने इसको पे कर दिया। अभी मैसेज आ जाएगा, सो डन, डन फ्रॉम माय साइड। सो सिस्टम विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स ये आपको शो कर देगा कि आपकी पेमेंट हो गई है, ठीक है। सो ऐसे करके आपको इसकी पेमेंट करनी है। देखो पेमेंट हो गई है, आपके रिसीट आ जाएगी, पेमेंट कंप्लीटेड, ये देखिए, थैंक यू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब ये डन हो गया। अब ये सेकंड स्टेप है, अब आपको दोबारा होम पर आना है। अब यहाँ पर है फाइल्स सबमिट रिटर्न। ध्यान रखना, बहुत सारे HR या कंसल्टेंट ये सोचते हैं कि हमने पेमेंट कर दी तो हमारी रिटर्न सबमिट होगी कर्नाटका की, नहीं। आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है, अपनी रिटर्न को सबमिट करना है। यहाँ पर क्लिक करना सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखिए ये CVV नंबर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने पेमेंट की थी, ये देखो यहाँ पर, तो ये जनरेट हो गया था। इसके बाद याद करना ऐड CVV रेफरेंस, ऐड जरूर करना। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। और अगर ये ब्लैंक आ रहा है तो थोड़ी देर के बाद ट्राई करना, नहीं तो जो स्क्रीनशॉट लिया वहाँ पे डाल देना। ये देखिए फैब का आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना है वेरीफाई। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती होगी तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो आप। तो वेरीफाई एंड सबमिट किया, अब ये आ गया वेरीफाइड एंड सबमिटेड, यानी कि डन। ये स्टेप भी हमारा हो गया। अगेन होम पर क्लिक करना। सो फाइल रिटर्न किया, ई पेमेंट्स भी हो गई है, सबमिट रिटर्न भी कर दिया। अब व्यू और प्रिंट करना है। यहाँ पर चेक कर लो कि आपने जो फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी, तो हमारा कौन सा मंथ है, फैब। तो फैब मंथ ये रहा आपका 2024 का। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। तो पहले व्यू करके दिखा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैंने एग्जिट किया, दोबारा वहाँ गया। ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक किया, ये देखिए आपका फॉर्म 5A आ गया है PT का, और ये टाइमली सबमिट हमने कर दिया है। इसके बाद इसका प्रिंट निकाल लेंगे, इसको सेव कर लीजिए, बाद में रीनेम कर लेना है जिस भी नाम से आपको सेव करना है। अभी जस्ट मैं ऐसे ही सेव कर रहा हूँ, इसको यहाँ से एग्जिट कर देगा, ठीक है। दोबारा होम पर जाना है आपको, फाइल कर लिया, मेक पेमेंट कर लिया, सबमिट रिटर्न, व्यू प्रिंट। अब इसके बाद वेरीफाइड फेल्ड पेमेंट्स पे देखना कि कोई हमारी पेमेंट फेल्ड तो नहीं होगी। अगर कोई पेमेंट आपकी लगता है फेल्ड, जैसे जून अक्टूबर का दिखा रहा है, तो इसको वेरीफाई पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, 48 आवर्स के अंदर बैंक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नॉलेज मिलती रहेगी घर बैठे। एंड सर इवन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इनफैक्ट तो
तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एचआर ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आपको अपना करियर एचआर बनाना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी तक हम हज़ारों स्टूडेंट को सिखा चुके हैं, 4000 से ज़्यादा, और हमारे पास पैन इंडिया बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। मैं विजय मौर्य आपको फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।